अरे थारे जैसे छोरों की वजह से ना हमारे देश की छोरियां सुरक्षित ना है। अरे देखी नहीं अकेली लड़की और चला मनल चाणे, ये चुपचाप निकल ले वरना धरूंगा एक कांड के नीचे। लाखा भाई मैं तो बस चल पुत चल। थैंक यू सो मच। अरे ना जी ना, इसमें थैंक यू कोई बात ना है जी, ऐसे लफंगों को तो मैं जी मोर बना देवे हूँ और सब जाने हैं जी। नो फियर व्हेन लकी इज हियर। हाय आई एम रसिका। हेलो जी मायसेल्फ लाखा और प्यार से लोग मन्ने लकी बुलावे। अरे वाह तो आप मुंबई से? मुंबई से? अरे ना जी ना जी, मैं तो इसी शहर का हूँ जी, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? ऐसी आप मुझे एक मॉडल लगे। अरे क्यों फूंक दे रहे हो जी, मैं कोई मॉडल शॉडल ना हूँ जी, हाँ पर काफी लोगों का रोल मॉडल जरूर हूँ जी, मेरा मतलब मैं पहलवान हूँ जी। दैट्स ग्रेट। पहले आपको कभी यहाँ देखना जी? हाँ एक्चुअली ये सैलन जो है ये मेरी फ्रेंड के भाई का है और उन्हीं लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। अरे वाह, फिर तो आप हमारे और हमारे इस गांव के ना मेहमान हुए और अब हम आपकी खातिरदारी में ना कोई कमी ना छोड़ेंगे। नहीं नहीं इट्स ओके आई एम कंप्लीटली फाइन, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अरे वाह क्या बात है, मैडम के साथ साथ अपने लकी भाई एक बॉम्बे की स्टार तो दूजे अपने सिरसे का सितारा जी, मैं तो कह रहा हूँ कि आप दोनों ना मिलके मारे सलून का उद्घाटन कर दो आज इकट्ठे। जी वो मैं कैसे? अरे हाँ बिल्कुल, आप हमारे सुपरस्टार हैं, आओ आओ। थैंक यू। चलते तो अच्छा जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। यू कैन कॉल मी रसिका, आई मीन आप मुझको जी बोलते हो और मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है, सो इट्स ओके यू कैन कॉल मी रसिका। अच्छा जी फिर जी ओ मेरा मतलब आपको यहाँ पर अगर कोई भी परेशानी हुई ना तो आप बेझिझक मुझे बता देना। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था, पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया, सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया, आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से। देखो पगली ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।